दोस्तों, अभी आप लोगों ने हाल में सुना होगा कि सुशांत सिंह जो एक एक्टर थे बॉलीवुड के, उन्होंने जो सुसाइड कर लिया, ये 2-3 दिन पहले की बात है जब उन्होंने सुसाइड किया अपने फ्लैट में। और कल रात में एक और बैड न्यूज मिली है, एक टिकटॉक स्टार जिनका नाम सिया कक्कड़ है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनकी एज जो है अभी मात्र 16 साल है और उनके अच्छे खासे फॉलोअर भी हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि उन्हें सुसाइड करना पड़ा? गाइज, उनके अच्छे खासे फॉलोअर हैं, उनकी अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही है और अभी एज भी ज्यादा नहीं है। 16-17 साल के एज में इस तरह का डिसीजन लेना, बल्कि मैं तो कहूंगा किसी भी एज में सुसाइड जैसा कठोर कदम उठाना एक बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है कि ये क्या हो रहा है अभी। और ऐसे ऐसे लोग सुसाइड जैसे मतलब बहुत ही बुरा होता है जिसके साथ होता है और जिसकी फैमिली के किसी भी सदस्य के साथ होता है, उसके फ्रेंड सर्किल में, उसकी फैमिली में ये बहुत ही मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ऐसी क्या डिप्रेशन, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि उनको ये कदम उठाना पड़ रहा है? अभी ये जो सिया कक्कड़ है, उनका किसी एक म्यूजिक कंपनी के साथ जो है उनकी बातचीत भी हो रही है उनके म्यूजिक कोलेब्रेशन के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि उनका जो फेम है काफी अच्छा था। अगर एक तरह से देखें तो वो जिस चीज के लिए टिकटॉक पे आई थी, तो ये चीजें उनकी पूरी हो रही थी। उनके साथ अच्छे फॉलोअर थे और अच्छी कंपनीज के साथ उनका कोलेब्रेशन के लिए भी बातचीत चल रही थी। कल रात में जो है अभी मैनेजर, जिस म्यूजिक कंपनी के साथ उनके कोलेब्रेशन की बात हो रही थी, उसके मैनेजर ने यही बताया कि मेरी बात हुई थी अभी कुछ घंटे पहले, लेकिन इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स उनसे बात करके लगा नहीं, किसी तरह का उनको टेंशन नहीं था जब मैं बात कर रहा था, बट कुछ घंटे के बाद ही उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया। तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, क्यों सुसाइड कर रहे हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है? गाइज, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आप किसी चीज को लेके परेशान हो, तो आपको अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए, आपको अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए। आपको इस तरह से मतलब ये बहुत ही गलत है, इस तरह के कठोर चीजों को सोचना इस तरह की बहुत ही बुरी चीज होती है कि अगर कोई सुसाइड कर रहा है या इसके बारे में सोच रहा है, तो ये सोच के भी मतलब अगर किसी फैमिली के मेंबर के साथ अगर ऐसा हुआ है, तो अगर एक एक टाइम पे अगर सोचो तो सोच के मतलब जो है गूस बम्प आ जाता है बॉडी में कि मतलब सुसाइड करना। लेकिन जो आजकल की जो एक कंपटीशन वाली मार्केट है, हर जगह हर इंडस्ट्री में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि लोग इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है लाइफ में, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, उसके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। जो मेजर प्रॉब्लम्स अगर आज की डेट में युवाओं के लिए देखा जाए, उनके लिए उनका जॉब है, उनके करियर है और पैसे, इन सब चीजों को लेके कुछ लोग जो है डिप्रेस होते हैं। गाइस, अगर मान लो अगर आप जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब चली गई या आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो यार आज नहीं जॉब मिल रही, कल जॉब मिल जाएगी, ठीक है? आपको क्या, आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है, आपको नॉलेज बढ़ानी होती है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या उस पर्टिकुलर स्किल पे जिस पे आप काम कर रहे हो, तो जॉब तो मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल। किसी भी चीज को ऐसा नहीं है कि आप एकदम निगेटिव हो जाते हो किसी भी चीज को लेके, तो किसी भी चीज को लेके इतना ज्यादा निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज आप सोचते हो कि जीरो आप यहाँ पे हो, उसके बाद जीरो पे चले जाओगे। किसी भी चीज को डायरेक्ट अगर आप किसी पोजिशन पे हो, तो डायरेक्ट आप जीरो पे नहीं चले जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जीरो पे ही चले जाओगे। तो इस तरह के अगर पैसे की बात है, तो यार आज पैसा है कल नहीं रहेगा। अगर आप सोच रहे हो आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उन लोगों के बारे में सोचो जो रोड पे ही सोते हैं, भीख मांग के खाते हैं या इधर उधर से मांग के खाते हैं, उनके पास ना पैसे हैं ना रहने के लिए घर है। अगर आपके पास घर है, आपके पास फैमिली है, आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत है। चीज़ें अपने टाइम पे खुद ब खुद हो जाती हैं अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप खुद पे विश्वास करते हो तो। अगर कोई ऐसी बात है जो लगता है कि आपको मतलब अंदर ही अंदर आप प्रॉब्लम में जा रहे हो, आप परेशान हो रहे हो उस चीज़ को लेके, तो बिल्कुल आपको शेयर करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए, आपको अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप चीज़ों को शेयर करते हो, तो उससे क्या है कि आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो बाहर आएंगी, जिससे आपका जो कहते हैं ना कि दिल का जो बोझ होता है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। और किसी भी चीज़ के लिए भागो, लेकिन ऐसा भी मत भागो कि आप अपने आप को भूल जाओ, आप अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लो। क्योंकि जब एक आदमी अपनी जिंदगी को खत्म करता है या इस तरह की चीजें डिसीजन लेता है, तो उसके पीछे कई सारी फैमिलीज का जो है, कई सारे लोगों की जिंदगी एक तरह से खत्म हो जाती है। अब आप सोचो अगर किसी ने सुसाइड कर लिया, तो उसके पेरेंट्स कैसे रहते होंगे, उनके फ्रेंड्स कैसे रहते होंगे, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। तो ये चीजें जो 2020 में बहुत सारे ऐसे बैड न्यूज सुनने को मिला, ये मतलब वाकई में सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या चल रहा है, इतनी ज्यादा लोग क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं किसी भी चीज को लेके कि वो सुसाइड जैसे चीजों को करने के लिए भी
बहुत ही आसानी से मतलब कर ले रहे हैं यार, पता ही नहीं चल रहा है कि वो कब कौन कब क्या सुसाइड कर ले, कौन कब क्या कर ले। तो मेरे ख्याल से यार ये बहुत ही मतलब बहुत ही हर्ट हुआ सुशांत सिंह का भी जब हम लोगों ने सुना, और ये जो टिकटॉक स्टार्स या कक्कड़ इनका भी सुन के बहुत ही हर्ट हुआ कि मतलब 16-17 साल की एज में और इतना अच्छा कंटेंट और ये सारी चीज़ें काम जो कर रहा है वो इस तरह से सडनली कैसे डिसीजन ले सकता है सुसाइड का। अगर आपको सब कुछ इजीली मिल जाता है, सब कुछ पहले से बना के दे दिया जाता है आपको, तो फिर लाइफ जीने का कोई मज़ा नहीं होता है। स्ट्रगल करो, चीज़ों को पाने की कोशिश करो, लेकिन डिप्रेस मत हो यार, डिप्रेशन से बचने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मत सोचो किसी भी चीज़ के बारे में, निगेटिव मत सोचो। आप हमेशा जब भी हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं तो फिर हम डिप्रेस होते हैं, ठीक है, हमारे माइंड में फिर प्रॉब्लम्स के बारे में ही चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम्स है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है तो हमें सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनी है इस दुनिया में या नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, वो चाहे पैसे की बात है, वो चाहे फैमिली की बात है, वो चाहे जॉब की बात है, चाहे करियर की बात है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जरूरत है तो आपको एक ठंडे दिमाग से शांति से बैठ के उसके बारे में सोचने की। हर किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप जाके सुसाइड कर लो या इस तरह की चीज़ें सोचो। गाइस सॉल्यूशन ढूंढो, कोशिश करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। सुसाइड करना, डिप्रेस्ड होना और इस तरह की चीज़ें जो है कमज़ोरों के लिए है, ये कमज़ोरों का एक लक्षण है। जो कमज़ोर होते हैं ये बेसिक मैं कहूँगा कि ये उनके लिए है। आप लड़ो इस समाज से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो भी समाज में स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। सुसाइड करना, अपनी जिंदगी से जिंदगी को खत्म कर लेना, आप कायरों वाला ये काम कर रहे हो, ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए दोस्त। स्ट्रांग बनो, स्ट्रगल करो, हर एक चीज को पाने की कोशिश करो। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, अगर आप जी जान लगा के कोशिश करते हो तो आपको नहीं मिलेगी। तो बेशक ये इस तरह के जो लोग हैं, एक तरह से हमारे जैसे लोग हैं, तो सुन के बहुत ही तकलीफ होती है कि मतलब बताओ यार उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठा लिया, ऐसा क्या हो गया उनके साथ। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई भी डिप्रेशन, कोई भी टेंशन ना लो, लाइफ को फ्रीली जियो। कोई भी किसी से यार कोई कंपटीशन मत रखो। आप हर एक आदमी यूनिक होता है, हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। आप अपने टैलेंट को पहचानो, आप उसी के साथ आगे बढ़ो, किसी से कंपटीशन मत करो, जो आपके पास है उसी में खुश रहने की कोशिश करो। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।